हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो डिटेल में कवर करेंगे, पैन मैन लैन वैन सभी को पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। आ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं शेयरिंग करने के पर्पस से, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, ये सभी कंप्यूटर पड़े हैं। अगर ये ऐसे ही हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पहला नेटवर्क कौन सा था। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, एर्पानेट। एर्पानेट संसार का पहला कंप्यूटर नेटवर्क का था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एर्पानेट की फुल फॉर्म है। अब करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। सबसे पहली है रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग ईजी हो जाती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्पीड है जो कंप्यूटर नेटवर्क में काफ़ी हाई होती है। बैकअप, अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है जो बाकी के कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उनसे हम बैकअप ले सकते हैं इजीली। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमारे नेटवर्क में चार कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, अगर हम पाँचवें कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो ईजिली कनेक्टेड हो जाए, इसे हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, अगर किसी कारण से हमारा सिस्टम खराब हो जाए यानी कि हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो हमारे डेटा का लॉस ना हो, ठीक है, डेटा का लॉस ना हो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी खास ध्यान दिया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। उसके बाद आते हैं नेटवर्क डिवाइस। तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए उसे हम कहते हैं नेटवर्क डिवाइस, जैसे कि हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडम, राउटर, रिपीटर इत्यादि। और भी कई डिवाइसेज हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क के चार टाइप हैं। पहला है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है मैन, चौथा है बैन। अब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला नेटवर्क है हमारा पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। कितनी रेंज होती है इसकी, 10 मीटर से कम रेंज होती है। इसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, होम में इसका यूज़ करते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए जो नेटवर्क बना है उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस मोबाइल से जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर से प्रिंटर, तो सभी डिवाइस आपसे कनेक्टेड हैं, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। टू टाइप्स का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहला होता है वायरलेस पैन नेटवर्क, दूसरा होता है वायर्ड पैन नेटवर्क। तो वायरलेस पैन नेटवर्क होता है, इसमें जो कनेक्टेड होते हैं वह डिवाइस होते हैं इंफ्रारेड, जिगबी, ब्लूटूथ और अल्ट्रा वाइड बैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो ब्लूटूथ किसकी एग्जांपल है, पैन नेटवर्क की। और वाइल्ड नेटवर्क से जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वह केबल के माध्यम से, और जैसे हम कह सकते हैं फायर वायर और USB से कनेक्टेड होते हैं आपस में। उसके बाद आता है हमारा लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क स्टैंड अप करता है लोकल एरिया नेटवर्क से। तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी है, 150 मीटर से कम इसकी रेंज है। इसका यूज़ हम ऑफिस में करते हैं, घरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेंटर में सर्वर होता है, उसी से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं लैन नेटवर्क से, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा मैन नेटवर्क। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे हम सिटी का नेटवर्क भी कहते हैं। इससे हम एक पूरी सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और इसे कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क का कहा जाता है। अगर काफ़ी लैंस को हम आपस में अटैच कर देते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे मैन नेटवर्क कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा वैन नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो कलेक्शन ऑफ लैन एंड मैन नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है, इसे हम पूरी कंट्री को भी कनेक्ट कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड यानी कि संसार को भी, विश्व को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लैन एंड मैन को हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं।
उसके बाद आता है एडवांटेज क्या है नेटवर्किंग की, ओपन टू एवरीवन, हर एक के लिए उपलब्ध है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और फाइल शेयरिंग है, फाइल शेयर कर सकते हैं हम नेटवर्क में, सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया जाता है। इजी टू ऐड न्यू डिवाइस को हम इजीली ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। बैकअप एंड स्टोरेज, तो एक सर्वर होता है उस पर सभी का बैकअप होता है और स्टोरेज भी हमें काफ़ी मिल जाती है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग की, ठीक है। तो सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस चाहिए हमें, हब, रिपीटर, गेटवे, तो ये डिवाइस चाहिए जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। वायरस अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। उसके अलावा रिक्वायर्ड हैंडलर, एक हैंडलर चाहिए, उसके लिए भी काफ़ी कॉस्ट पड़ती है जो कंप्यूटर नेटवर्क को हैंडल कर सके। हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है। और एक सर्वर चाहिए, सर्वर भी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हैं। तो डैट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।